मेरा नाम माशु है और मैं चाइना में रहता हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो भाई मैं खड़ा हूँ आज बस स्टॉप पर। आज थोड़ा सा हम बात करते हैं चाइना की लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में कि हाउ कन्वीनियंट इट इज़। तो भाई यहाँ चाइना में ये सीन होता है कि लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको बसेस लेनी पड़ती हैं, और वही लेने के लिए मैं अभी जो है वो एक बस स्टॉप पर खड़ा हूँ। तो ये है जी यहाँ का स्टॉप, ये बिल्कुल मेरी यूनिवर्सिटी के साथ है। इस साइड पे मेरी यूनिवर्सिटी है और ये सामने इसका स्टॉप है। तो ये आपको बसेस नंबर दिखाई दे रहे होंगे और आगे ये लोकेशन होंगे कि आपने किस लोकेशन पर जाना है। अभी जी मैं वेट कर रहा हूँ बस का। यहाँ चाइना में ऑलमोस्ट हर सिटी में 5 मिनट के इंटरवल से बसेस आती हैं। तो मैंने अभी जाना है जी 318 बस पे, ये है। तो अभी ये आपको जो येलो नज़र आ रहा होगा इस स्टॉप पे मैं खड़ा हूँ, और आगे फिर मैंने इस स्टॉप पर जाना है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस का, वहाँ से बस आती है तो फिर सवार होते हैं बस में और आपको दिखाते हैं कि कितनी कन्वीनियंट है चाइना की बस। ज़्यादातर चाइना में बसेज जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसेज हैं। ये देखें दोस्तों बसेज आ रही हैं। ये है 302 नंबर बस जो मैंने आपको दिखाई थी, और इसके पीछे जो है वो 318 नंबर आ रही है, ये देखें। तो मैंने इस बस पे जाना है, तो अभी जो है मैं इसमें सवार होता हूँ तो फिर चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। तो ये है जी इलेक्ट्रिक बसेज यहाँ की चाइना की, चेक करें आप। लें दोस्तों, भाई आपका जो है वो बस में सवार हो चुका है और हमें यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है, वो मैंने कर दी है। अब जा रहा हूँ जी मैं बैठने के लिए, तो फिर बैठ के आपको बताता हूँ कि इसकी जो राइड है वो कितने मज़े की राइड है। तो दोस्तों मैं अपनी लोकेशन पर बस से उतर चुका हूँ, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, और इनका जो किराया रहता है वो 2 RMB रहता है, स्टूडेंट के लिए 1.5 RMB। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।